मेरे पास कुछ चीज़ें आई। लोग सड़कों से बड़े दुखी हैं, पीने के पानी की जो गंदगी है उससे बड़े दुखी हैं, सफाई व्यवस्था से दुखी हैं। जो काम मुख्यतः रूप से रहेगा चेयरमैन तो वो सफाई रहेगा, और सफाई तो केवल झाड़ू से ही संभव है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हांसी की आवाज़। जो ही नगर परिषद के चेयरमैन के डायरेक्ट चुनाव की घोषणा हुई है और ड्रा भी निकल चुके हैं, वहीं सरगर्मियां तेज हो गई हैं। विभिन्न पार्टियों के कैंडिडेट ने नगर परिषद के चेयरमैन के चुनाव के लिए ताल ठोकने शुरू कर दिया है। आज हमारे बीच हैं आम आदमी पार्टी के ज्वाइंट सेक्रेटरी जोन के युवा चेहरा है सचिन जैन जी, दूसरी तीसरी मरतबा हमारे चैनल पर आ रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि नगर परिषद के चेयरमैन के चुनाव के लिए इनकी क्या मंशा है, क्या ये भी ताल ठोक रहे हैं क्या इसके लिए। जैन साहब, सबसे पहले आपका हांसी की आवाज़ पे अभिनंदन है, स्वागत है। बंसल जी, सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, और मैं हांसी की आवाज़ के सभी दर्शकों के स्वस्थ समस्थ की कामना करता हूँ। आम आदमी पार्टी का क्या एजेंडा है, क्या वो नगर परिषद के चुनाव में पार्षदों और चेयरमैन का जो पहली मर्तबा यानी कि डायरेक्ट चुनाव हो रहा है, क्या मैदान में उतारेगी? बिल्कुल राजीव, सिंबल पे उतारेगी? बिल्कुल राजीव जी, जैसा कि हम आपसे पहले भी जब चर्चाएं हुई, और हमारे सांसद छह प्रभारी जो सुशील गुप्ता जी है वो इस चीज़ को क्लियर कर चुके हैं, हम न केवल नगर परिषद नगर निकाय के जो चुनाव हैं, सरपंच, ब्लॉक समिति और जिला पार्षद के चुनाव भी सिंबल पर लड़ने जा रहे हैं और जनता के सहयोग से लड़ने जा रहे हैं। पिछला चेयरमैन बीजेपी का रहा, बना इंडिपेंडेंट, बीजेपी की थाप से बना, और उसके कार्यकाल को क्या समझते हैं, क्या बीजेपी के साथ या कांग्रेस के साथ सभी सिंबल पर लड़ने की बात करते हैं, किसके साथ टक्कर होगी आपकी? देखिए, वर्तमान कार्यकाल को देखते हुए मेरा मानना है कि जो आप लोग अखबारों के माध्यम से सुन रहे हैं, और कल मैंने अखबार के माध्यम से रिपोर्ट भी पढ़ी कि 200 करोड़ की किसी शिकायत को लेकर के एक हमारे पार्षद प्रतिनिधि विज साहब को भी कंप्लेंट करके आए हैं, तो वो चीज़ें धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगी खुलेंगी। और उसके बाद मेरा तो मानना है जी कि हांसी के अंदर भाजपा और कांग्रेस को जनता दोनों देख चुकी है, और अब की बार जो दिल्ली में विकास के इतने कार्य हुए हैं, तीसरी बार अरविंद केजरीवाल जी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आए हैं, तो इस बार हांसी के अंदर भी आम आदमी पार्टी का चेयरमैन बनेगा और भाजपा और कांग्रेस दूसरे पद के लिए लड़ाई लड़ेंगी। एक जो तत्कालीन यानी पिछली योजना में जो चेयरमैन रहे उनके प्रतिनिधि रिंकू सैनी जी, सीधी सी बात करता हूँ कि वो भाजपा के समर्थन में बने थे, और इस बार वो कह रहे हैं कि मैं तो चुनाव लड़ूंगा ही लड़ूंगा, बेशर्ते कि ये यानी कि ओपन सीट है। तो क्या लगता है कि आपकी टक्कर उसी से होगी, और आपका एजेंडा क्या होगा? क्या बंसल जी, हमारी टक्कर किसी से नहीं है, और जैसा कि आपने कहा कि जी रिंकू सैनी जी या उनके परिवार से निर्मला सैनी जी जो वर्तमान में हमारी चेयरपर्सन रही हैं, मैं उन्हें भाजपा की चेयरपर्सन ने कह करके, क्योंकि वो शहर से चुनी गई हैं, जो शहर की चेयरपर्सन थी, और मेरा तो कहना है कि अगर वो भाजपा से दावा ठोक रहे हैं और जैसे वो अपने कामों का कह रहे हैं कि जी हमने बहुत काम किए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को उन्हें टिकट देनी चाहिए। वो किस संकोच में है, क्योंकि आमतौर पर यही होता है, दिल्ली में हमारे मुख्यमंत्री ने चौड़े में कहा कि अगर हमने काम किया है तो हमें वोट दीजिए, और रिंकू सैनी जी तो कह रहे हैं कि जी हमने काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी किस संकोच में उन्हें टिकट क्यों नहीं दे रही? आपका एजेंडा क्या रहेगा कि आप भी यानी कुर्सी पे बैठने के बाद यानी कि सभी का मन बदल जाता है, जैसे पिछले चेयरमैन के ऊपर आरोप पे आरोप आरोप पे आरोप लगते आ रहे हैं, आरोप कहूँगा मैं, लेकिन सिद्ध करवाना तो जो कंप्लेंट कर रहा है उनकी बात है। देखिए बंसल जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन आरोप के साथ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आज सारी जनता के मन में एक प्रश्न है कि हांसी में 200 करोड़ रुपया खर्च हुआ, वो लेकिन नज़र नहीं आ रहा। मैं तो कहना चाहूँगा कि अगर 200 करोड़ रुपये खर्च हुआ है, रिंकू सैनी जी हैं या भारतीय जनता पार्टी है, वो जनता के समक्ष अपना रिपोर्ट कार्ड ले करके जाएं। अभी जब हम तीसरा चुनाव दिल्ली में लड़े तो अरविंद केजरीवाल जी ने अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखा और जनता से पूछा, अब जब चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि वो हर वार्ड में जा करके उस वार्ड के वासियों को वहाँ के काम गिनाए, वरना सारी जनता शहर की देख रही है। आज गैस एजेंसी रोड किस प्रकार टूटा हुआ है, आज काली देवी रोड के क्या हालात हैं,
आज आपकी आप विश्वकर्मा चौक से जींद की चौक की तरफ जाइए, क्या हालात है, तो जनता सारी चीज़ें देख रही हैं। फिर भी अगर कुछ उनके काम अच्छे हैं तो वो जनता के बीच रखें, और जनता को मैं कह रहा हूँ अगर उन्होंने काम किया है तो आपके माध्यम से मैं उनके लिए वोट की अपील करता हूँ, अगर उन्होंने काम किया तो उन्हें वोट मिलनी चाहिए। आपको एक काम तो उनका अच्छा गिनाना पड़ेगा। सर मैं एक काम कह रहा हूँ जी, वो कह रहे हैं कि जी हमने बहुत अच्छे काम किए हैं। उनका नहीं है, आप गिना सकते हैं क्या? मेरी नज़र में तो कोई है नहीं, ना मुझे किसी जनता ने कहा, क्योंकि देखिए आज सफाई के नाम पर एक सफ़ेद हाथी है जो हमारी नगर परिषद को चाट रहा है, आज सड़क के नाम पर सारा शहर खुदा पड़ा है, आज पानी के नाम पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आपके पास के ही एक पार्षद हैं उनके यहाँ पर लोग सीवर के ढक्कन खुले होने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, तो मुझे तो कोई ऐसी चीज़, और नगर परिषद का इसके अलावा आप काम बता दीजिए क्या काम हो सकता है, कि भाई सड़क सफाई यही चीज़ें हैं, अब उसके अंदर पुलिस का तो कोई तंत्र आता ये नहीं। तो आपने पूरा नज़ला पूरा चेयरमैन पे उतारा है। जब जब चुनाव आते हैं जातीय समीकरण में यानी कि आम आदमी बढ़ जाता है और पिछले यानी कि उसके कार्यकलापों को भूल जाता है, क्या आपके साथ भी यही होगा क्या? क्या आम आदमी पार्टी कैडर बेस वोटर रखेगी या जातीय समीकरण में बढ़ जाएगी? देखिए सर, सबसे पहले तो जो एक चेयरमैन बनता है, विधायक बनता है या चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, वो किसी एक जाति का नहीं होता। अगर फिर भी अगर लोग, कोई भी प्रत्याशी जातीय आधार पर वोट मांग रहा है और लोग भी जातीय आधार पर वोट कर रहे हैं, तो ये गलत है, हमें अपना नज़रिया बदलना होगा। अगर मान लीजिए मैं अग्रवाल समाज से आता हूँ, क्या अग्रवाल समाज के वोट से ही, या मैंने सिर्फ अग्रवाल समाज के लिए ही काम करना है? अगर ये तो चलिए सर, एक इस चीज़ को हम दरकिनार नहीं कर सकते कि कोई भी व्यक्ति है उसको सहयोग करने वाले सबसे पहले उसका परिवार होगा, उसके बाद कुनबा होगा, उसके बाद उसका समाज होगा, और फिर शहर भी होगा। तो इस चीज़ को, लेकिन एक जाति के आधार पर चुनाव लड़ना, हम इस चीज़ में विश्वास नहीं रखते। दिल्ली में हम लोगों ने 3 बार लगातार चुनाव लड़ा और हर वर्ग के लोगों ने वहाँ पर हमें वोट किया, और उसी काम को हम आगे यहाँ बढ़ाएंगे। जैन साहब, मैं सीधा तीखा प्रश्न पूछता हूँ, दिल्ली में 3 बार से लगातार यानी कि आपकी भी सरकार है लेकिन चेयरमैन वहाँ बनते हैं MCD के, जो भी हैं 3 जोन में बटे हुए निगम में, वहाँ BJP के हैं, तो यहाँ आपके यहाँ जनाधार नहीं है प्रदेश में पार्टी का, तो क्या यानी कि नगर परिषद और नगर पालिकाओं में जनाधार वापस लौट के आएगा कभी? दिल्ली का मैं आपको बता देता हूँ जी, MCD के जो चुनाव हुए हैं उसमें अब तक हमने हरियाणा प्रदेश की बात कर, हरियाणा प्रदेश में हम पहली बार जो हैं MCD का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और अच्छी बात यह है कि पहली बार में ही चुनाव जो हैं वो डायरेक्ट यहाँ होने जा रहे हैं, और आप देखिएगा जैसे जैसे नतीजे आएंगे, जैसे मुझे उम्मीद है अगस्त के अंदर चुनाव होने हैं और उसके नतीजे आएंगे, और हांसी के अंदर भी इस बार अगस्त के महीने में लोग जो ये आपकी सड़कें खराब हैं और इन चीज़ों से आज़ादी पाएंगे। कितने अस्वस्थ हैं अपनी जीत को लेकर आप? जीत सर, हांसी के लोगों के पास और विकल्प क्या है, वो कांग्रेस को देख चुके हैं, BJP को देख चुके हैं, और कांग्रेस का तो आप लोगों ने पूरे राष्ट्र स्तर पर देखा है कि उनके लोगों का तो आखिर में ये भरोसा नहीं रहता कि वो कांग्रेस में आखिर समय रहेंगे या नहीं रहेंगे, या फिर वो BJP की गोद में जा रहे। मैं तो हमेशा आकलन देता रहता हूँ ये संभावित कैंडिडेट हो सकते हैं, जरा आपका भी आकलन पूछ लें। हमारी तरफ से तो सर जो भी हाईकमान का आदेश होगा, हमारे सांसद सह प्रभारी सुशील गुप्ता जी और अरविंद केजरीवाल जी के निर्देश से, जो भी हांसी के भले के लिए साफ सुथरा और अच्छा कैंडिडेट होगा, कल को हम कह रहे हैं कि जी आप लोग भी उसमें दावेदारी कीजिए, पत्रकार तो सारे समाज को आईना दिखाने को कर रहा हूँ, मैं तो आपको भी आमंत्रित करता हूँ कि आप चेयरमैनी के लिए लड़ें। 2 दिग्गज पार्टी सिंबल से लड़ेंगी, कांग्रेस की और BJP की, तीसरी आपकी पार्टी है, इनके बीच में ठहर पाएगी? मैं कह रहा हूं जी, अभी तक तो BJP या कांग्रेस ने अपना कहा ही नहीं है जी कि वो चुनाव चिन्ह सिंबल पर लड़ रही हैं, सिर्फ और सिर्फ दिग्गज पार्टी तो आम आदमी पार्टी है जो खुले में चौड़े में कह रही है कि हम सिंबल पर लड़ेंगे, वो लोग तो अभी पशुपेश में है कि वो, आप एक बात बताइए, अगर रिंकू सैनी जी की बात छोड़ दें, उसके अलावा भाजपा के पास प्रत्याशी कौन है? रिंकू सैनी जी तो दावा ठोक रहे हैं यार, वो पता नहीं किस पार्टी से लड़ेंगे या आजाद लड़ेंगे, उनका जिक्र मैं ये कह रहा हूँ जी, इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के पास आज हांसी में लड़वाने के लिए नेता ही नहीं है। आप बता दीजिए कोई आपको लग रहा है तो रिंकू सैनी जी के अलावा। विधायक का कितना रोल होता है? देखिए विधायक तो सर मैं कह रहा हूँ, किसी भी दल का अगर चेयरमैन बनता है विधायक जी को तो सहयोग करेंगे, मुझे तो पूरी उम्मीद है विनोद बैनर्जी कल को अगर हम चेयरमैन बनते हैं। आप एक युवा चेहरा है, अगर बाय द वे चेयरमैन बनते हैं, बाय द वे ही कहूँगा, अभी तो चुनाव भी नहीं हुए और डेट भी नहीं आई, तो क्या काया पलट कर देंगे क्या, जो पीछे जैसा देख रहे हैं सिनेरियो आप? मैं आपको इस चीज़ के लिए आश्वस्त करता हूँ, हम आने वाले समय में हांसी के लिए
एक प्रयास पत्र जारी करेंगे। प्रयास पत्र के माध्यम से हम हांसी के लोगों से हांसी की समस्याएं जानेंगे और उनके आधार पर, जैसे हाल फिलहाल में मेरे पास कुछ चीज़ें आईं, लोग सड़कों से बड़े दुखी हैं, पीने के पानी की जो गंदगी है उससे बड़े दुखी हैं, सफाई व्यवस्था से दुखी हैं, शहर में पीछे हुए अपराध में, क्योंकि सीसीटीवी के कैमरे का जो काम है वो हमारे जो पार्षद प्रतिनिधि पार्षद भी करवा सकते हैं, उसके अलावा शहर आपको का नज़र आता है किसी पार्षद ने ऐसी अपने सीसीटीवी कैमरे से चोरों को पकड़वाया हो? बंसल जी, आपके ही समीप जो आप लोगों ने पीछे, मैं एक कार्यक्रम में भी आया, आप लोगों ने बताया, जैसे कि जो आप एसडी महिला कॉलेज रोड है वहाँ पर एक समाज सेवी के माध्यम से आप लोगों ने सीसीटीवी कैमरे लगवाने का काम किया। नहीं, एक पार्षद ऐसा है, मैं आपके तस्वर में नहीं आज ऐसा नहीं, जिसने 3 चोरियाँ अपने वार्ड में की, आपके नॉलेज में डाल दूँ मैं। बिल्कुल सर, मैं कह रहा हूँ जो पार्षद हैं जी वो अपने वार्ड के स्वामी है और अपने वार्ड के प्रतिनिधि हैं, उनकी जवाबदेही बनती है। कल को कोई भी समस्या आएगी तो जनता अपने पार्षद के पास ही जाती है, और हमारे देश की खूबसूरती यही है, लोकतंत्र में इसीलिए इन चीज़ों को बांटा गया है कि पार्षद हैं, पार्षद प्रतिनिधि हैं, चेयरमैन हैं, जो तो ये इनका काम यही है। इसी पार्टी से वो नहीं संबंध रखते हैं, वो अपना यानी कि समाज के लिए समर्पित हैं, इसी तरह काम करेंगे सर। एक चीज़ देखिए कि पार्टी से संबंध मैं एक पदाधिकारी होने के नाते आज रखता हूँ, कल को अगर हम चेयरमैन बनते हैं तो हम किसी पार्टी के नहीं, एक हांसी शहर के प्रतिनिधि होंगे। चलो, ये तो मान लिया कि हांसी शहर के प्रतिनिधि होंगे, और आपका दावा यानी कि आखिर तक यानी ताल ठोकते रहेंगे? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी दावा नहीं ठोक रही, इस बार आप लोगों को और जनता के माध्यम से इस बार हांसी में चेयरमैन आम आदमी पार्टी का होगा, क्योंकि मैं तो हमेशा हमारा एक यही स्लोगन रहेगा, क्योंकि हांसी में जो काम मुख्यतः रूप से रहेगा चेयरमैन का वो सफाई रहेगा, और सफाई तो केवल झाड़ू से ही संभव है। पैराशूट से तो नहीं उतार देगी वो? नहीं नहीं, पैराशूट से क्यों उतारेगी, आप लोगों के माध्यम में आपका शहर का आदमी होगा जो भी होगा। ये थे सचिन जैन साहब, जो आम आदमी पार्टी के जो उनके ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ताल ठोक दी है और कहा है कि दूसरी पार्टियां तो अभी पशोपश में है कि वो सिंबल से लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, हमने अपनी ताल ठोक दी है। इसी तरह दोस्तों, हम जो भी ताल ठोकने वाला कैंडिडेट हो नगर परिषद के चेयरमैन के लिए, उसे बुलवाते रहेंगे और आपके नज़र करवाते रहेंगे। देखते रहिए हांसी की आवाज़।